अस्सलाम वालेकुम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.2 में हम आज क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर्स एंड बेस डायमीटर इज 24। एक पोल, आयरन पोल जो होता है, इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप और इसका जो बेस डायमीटर है दैट इज 24 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस कितना होगा 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। Which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeters. इसके ऊपर एक और सिलेंडर है। आपने देखा होगा कि जो पोल है उसके ऊपर, क्योंकि जो लोअर पोर्शन होता है वो उसकी गर्थ थोड़ी सी ज्यादा होती है और जो अपर पोर्शन होता है उसकी गर्थ कम होती है। तो यहाँ का जो डायमीटर है दैट इज 16 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर विच इज गिवन एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। Now what we have to find the mass of pole. हमें इस में जो आयरन लगा होगा उसका मास ढूंढना है। Given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass, जो हमें वॉल्यूम मिलेगा उसमें हमें 1 cubic centimeter 8 gram के बराबर लेना है। तो उस हिसाब से हमें किलोग्राम्स या टन्स में वेट ऑफ द पोल मिल जाएगा। यूज पाई एज 3.14। हमें पाई का भी वैल्यू जो है ना 22/7 नहीं लेना है बल्कि 3.14 लेना है। इस क्वेश्चन में ये हमें वहीं से दिया गया है। तो लिहाजा हम पहले देखेंगे कि हम कैसे निकालें व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोल किसके बराबर होगा? वो होगा वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स, जो सिलेंडर, दो सिलेंडर एक के ऊपर दूसरा लगे हुए है। यहाँ पे हम रफली इसको 220 है, इस साइड से 12, यहाँ से 8 और यहाँ से 60। ये हमें जहन में रखना है। तो वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम आर वन लेंगे, पाई आर वन स्क्वायर एच वन प्लस पाई आर टू स्क्वायर एच टू। यानी अगर हम लें एक की हाइट एच वन और दूसरे की हाइट h2 और एक का रेडियस r1 और दूसरे का रेडियस r2 या r डैश भी ले सकते हैं, तो इस चीज को हम पहले लिख के रखेंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा, अगर पाई को बाहर निकाले तो अंदर क्या रह जाएगा, r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। तो इस तरह से इतने क्यूबिक सेंटीमीटर हमें मिलेगा इसका वॉल्यूम। तो ये चीज पहले हमें जहन में रखनी है। फिर जो वॉल्यूम हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम मिला, तो उस 1000 को हम किससे मल्टीपल करेंगे, 8 से, ताकि हमें ये 8000, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 8000 ग्राम मिलेगा इसका वजन। और अगर 8000 ग्राम मिला तो 8000 को हम 1000 से डिवाइड भी करेंगे ताकि हमें किलोग्राम्स में मिले। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 kg, फिर इसी हिसाब से वॉल्यूम। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो इस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, गिवन हाइट ऑफ 1 सिलेंडर बी एच वन, या एच हम लें फिर उसको एच डैश भी लिख सकते, एच वन दैट इज इक्वल टू 220
20 सेंटीमीटर्स। हम यहाँ पे 2.2 मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन तब हमें मीटर्स में अगर हम निकालें तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है किसमें, क्योंकि डेसिमल डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है इस मुकाबले में। इसी तरह से हमें क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ वन सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर दैट इज आर वन इज 12 सेंटीमीटर, से वहीं से दिया गया है। इसके अलावा हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर H2 दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो इट इज रेडियस R2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, और पाई का वैल्यू भी 3.14। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पोल दैट विल बी इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द एंटायर पोल। अब यहाँ से पाई अगर हम बाहर निकालें तो अंदर क्या रह जाएगा, R1 दैट इज 12 मीन्स 12 इंटू 12, ठीक है ना, इंटू H1 का मतलब है 220, ये सेंटीमीटर्स में है, ठीक है ना, प्लस R2 स्क्वायर, R2 कितना है 8 इंटू 8, ये हम यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट रखेंगे ताकि इसमें हमें ये जो बीच में प्लस है बाद में कोई दुश्वारी ना आए, इंटू H2 दैट इज 60। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब पाई का वैल्यू हमें वहीं से दिया गया है, 3.14 हमें लेना है, 3.14 इंटू 12 इंटू 12 144। अब 144 को हम 22 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 22 4s are 88 कैरी, 22 4s are 88 अगेन, प्लस जो 8 कैरी आए थे 96, 22 1s are 22 प्लस 9 दैट इज 31, 3168, और इसके साथ लास्ट में एक जीरो भी है, तो लिहाजा 31680 ये हमें मिलेगा इनका प्रोडक्ट, प्लस 8 8s are 64 इंटू 64 इंटू 6 पहले हम करेंगे, 6 4s are 24 टू कैरी, 6 6s are 36 प्लस 2 दैट इज 38 मीनस 3840। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर पोल। तो इस हिसाब से फिलहाल हम 3.14 को बाहर ही रखें, इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12 1 कैरी, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 जो कैरी आया था दैट इज 15, अगेन 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस कैरी का 1 दैट इज 5, एंड देन यहां पे हमें क्या रह जाता है, 3.14 इंटू दिस दैट इज इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब 3.14 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर हम देख लें कि जीरो के, अगर हम जीरो जीरो को यहाँ पे हटा लें, ठीक है ना, जीरो को यहाँ से हटा लें तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 31.4 इंटू दिस मच, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस साइड में, ये हम कैलकुलेटर से भी कर सकते थे लेकिन जानबूझ के, ताकि कल अगर एग्जाम में कैलकुलेटर ना मिले हमें, कैलकुलेटर अलाउ ना हो,
तब हम उस सूरत में क्या करेंगे? 314 से डायरेक्ट, ठीक, 4 हम यहाँ पे करेंगे, 314 इंटू 3552, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 4 5 जार अगेन 20, +2 22, 4 3 जार 12, 12 + 2 दैट इज 40, ठीक। इसके बाद 1 से करना है तो 2 5 5 3, इसके बाद 3 से, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 +1 16, 3 3 जार 9 +1 दैट इज 10। तो ये 8 2 5 + 2 7 +6 दैट इज 13, 4 + 1 5 +5 + 5 दैट इज 15, अगेन 1 कैरी, 1 + 1 2 + 3 इज 5 + 6 इज 11, अगेन 1 कैरी, 10 + 1 11। तो ये हमें मिला 1 1 1 5 3 2 8, और इसके साथ यहाँ पे 0 भी होता, 0, ये इतना हमें मिल जाता इन दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन चूंकि 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, लिहाजा यहाँ पे भी हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, मीन्स 1 1 1 1 1 5 3 2 0.8 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब अगेन देखिए आप यहाँ पे, 1 ग्राम का जो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वैल्यू है, का जो वजन है, दैट इज 8 ग्राम, मीन्स इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स का इंटू 8 करना पड़ेगा हमें पहले, तब हमें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इस पूरे पोल का वजन। तो यहाँ पे हम करेंगे 8 8 इज़ आर 64, 6 कैरी, 8 2 इज़ आर 16 +6 22, 2 कैरी, 8 3 इज़ आर 24 +2 दैट इज 26, अगेन 2 कैरी, 8 5 इज़ आर 40 +2 42, 8 1 इज़ आर 80, 8 1 इज़ार 8 +4 दैट इज 12, 8 1 इज़ार 8 +1 दैट इज 9, 8 1 इज़ार 8। तो ये इतना सारा मिला, एक के बाद पॉइंट है यहाँ पे, मीन्स मास ऑफ पोल कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 1 1 5 3 2 0.8 इंटू 8 इतने ग्राम्स, इतने ग्राम्स। तो वो कितने ग्राम्स आते हैं, दैट इज 8 9 2 2 6 2.4 इतने ग्राम्स। और अगर हम इसको इस वजन को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें तो हमें डिवाइड बाय यहाँ पे 1000 में करना पड़ेगा, दैट इज 8 9 2.26 किलोग्राम, ठीक है ना। तो दिस इज द, या 27 या 26 ही थे, इतने किलोग्राम्स हमें मिलेगा ये मास ऑफ पोल, मास ऑफ। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया होगा, हमने स्टेप बाय स्टेप किया इसको। और अगर आपको कहीं पे समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहीं पे वीडियो में जो लिंक दी गई है वीडियो की, आप वहां पे लिख सकते हैं कि हमें कहाँ पे समझ में नहीं आया, किस स्टेप में समझ में नहीं आया, या किसी भी चैप्टर में कोई भी कमी रह गई हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वहां पे लिख सकते हैं, या आप तमाम के पास मेरा फोन नंबर है, डायरेक्टली रابطہ कर सकते हैं।